कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, तो गणित के अंदर हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का अभ्यास कर रहे थे, तो आज भी उसी प्रकार का सवाल है कि आपको तीन संख्याएं दे रखी है, इन तीन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, करने का तरीका वही है जिसे हम पहले सवाल करते आ रहे हैं। सबसे पहले अंक दे रखा है 84, तो 84 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो होती है अभाज्य गुणनखंड उसका भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, 2 का भाग हम लगाएंगे 84 में। तो देखिए, सीधे कर सकते हो आप, 2 का भाग 8 पर लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 6, ये गया आपका बैलेंस भाग। अगर अब भी अगर 2 का भाग लग रहा है तो फिर आप 2 का भाग लगाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 का भाग हमने लगाया 42 में, तो आंसर आया 21। अब 21 में 2 का भाग नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी 7 बार। और 7 केवल अपने ही पाड़े से भाज्य होता है, अन्य से नहीं, तो 7 एकम 7। तो यहाँ हो जाएगा, अतः 84 का अभाज्य गुणनखंड 84 का अभाज्य गुणनखंड तो हो गया 2 × 2 × 3 × 7, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। अब अगला अंक है हमारे पास 120। तरीका वही, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 दूनी 12 और 0, ये हो गया 60। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 0 उतर गया, 30 बार। फिर 2 का भाग, अगर आप सीधा नहीं लगा सकते तो आप रफ में करके देख लीजिए। सबसे पहले 2 एकम 2, 1 बचा, 0 उतारा, कितना हो गया, 10। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, कितनी बार, 15 बार। अब 2 का भाग नहीं लगता 15 में, तो किसका जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार। और फिर 5 एकम 5, तो इसका आंसर हुआ, अतः 120 का अभाज्य गुणनखंड। दो आया 3 बार, 2 × 2 × 2, 3 1 बार और 5 1 बार। तो आंसर हुआ 2 × 2 × 3 × 5। तो ये है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। अब अंतिम संख्या दे रखी है आपको 90। वही, सबसे पहले 2 का भाग, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रारूप में निकाल के देखते हैं इसका, 90 के अंदर लगाने आपको 2 का भाग। तो 9 आता नहीं है, 9 से छोटी संख्या होती है 2 चौके 8, 1 बच गया, 0 उतरा, 5 दूनी 10, 2 का भाग 90 में लगाया तो हमारे पास आया 45। अब देखिए, अब 2 का भाग 45 में नहीं लगता, 2 का भाग 45 में नहीं लगता, तो 2 के बाद आता है 3। तो देखिए 3 का लगा के देखते हैं, पहले 3 एकम 3, 1 बार, 1 बच गया, 5 उतर गया,
और तीन के पाड़े में 15 आते हैं 5 बार, 3 × 5 = 15, तो कितनी बार गया ये 15 बार। फिर तीन का भाग, 3 × 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 पाँच बार। और फिर 5 अपने खुद के पाड़े से 5 × 5, तो ये हो गया 90 का अभाज्य गुणनखंड। दो × 3 × 3 × 5 और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। आप इन्हें कॉपी में उतारिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। हमने अब 5 हिंदी वाक्य लिखे हैं, इनको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है, यानी अंग्रेजी में बनाना है। तो देखिए, यह एक गाय है और वह, हमने आप पोइम्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम यह, अगर कोई वस्तु हमारे पास में है तब तो हम दिस का प्रयोग करते हैं यानी यह, और कोई वस्तु हमसे दूर है तो दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं यानी दैट का प्रयोग। तो पहला वाक्य है, यह एक गाय है। यह, यह यानी दिस, THIS, दिस, दिस मीन्स क्या होता है, यह। अब यह है, दिस के साथ में इच का प्रयोग, यानी एक गाय है, एक सिंगुलर वर्ड, एक वचन है, तो इसके साथ हम इच का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज, फिर एक, एक यानी ए, दिस इज ए, क्या है, गाय। गाय को हम क्या कहते हैं इसमें, काउ, COW, काउ, तो COW, काउ। हमारा वाक्य बना, दिस इज ए काउ, यानी यह एक गाय है, यह एक गाय है, दिस इज ए काउ, COW, काउ। फिर है, वह एक पुस्तक है। वह, यानी पुस्तक हमसे दूर है, तो वह को लिए हम क्या लिखेंगे, दैट, THAT, दैट। फिर वह है, दैट एक वचन, एक पुस्तक के लिए आ रहा है, तो इच। फिर दैट इज, फिर क्या लिखा हुआ है, वह एक यानी ए, दिस इज ए, क्या है वो, पुस्तक है। पुस्तक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बुक, और बुक की स्पेलिंग क्या होती है, BOOK, बुक, दैट इज ए बुक, वह एक पुस्तक है। अगला है, यह एक कलम है। कलम किसको बोलते हैं अपन, पेन को, किसको बोलते हैं, पेन को। तो सबसे पहले दिस, एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो इज, दिस इज ए, क्या है, कलम, कलम यानी पेन, PEN, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। फिर वह एक पंखा है। वह, वह यानी दैट, पंखे कितने हैं, एक, तो एक वचन है, तो इज का प्रयोग, दैट इज ए। अब पंखे को क्या बोलेंगे हम, फैन, FEN, फैन, फैन मीन्स पंखा, दैट इज ए फैन। अब यह एक घर है। अब यह यानी दिस, दिस इज ए, अब घर को क्या बोलेंगे, हाउस, HOUSE, दिस इज ए हाउस, हाउस मीन्स घर। अब इन 5 वाक्यों को कॉपी में उतारो, इनको याद कीजिए और समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।